दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि इस अनूठे ऐतिहासिक किसान स्वराज सम्मेलन में आप सबके सामने अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। सौभाग्य था कि पिछली बार जब हैदराबाद में सम्मेलन हुआ था तब भी मैं वहां गया था। इस बार अनूठा इसलिए है कि स्वराज का मूल मंत्र देने वाले राष्ट्रपिता द्वारा स्थापित इस गुजरात विद्यापीठ में हम 21वीं सदी के लिए किसान के स्वराज पर विचार करने बैठे हैं। ये संगम किसान स्वराज का विचार और गुजरात विद्यापीठ का स्थान, ये संगम आज की बातचीत को ऐतिहासिक बनाता है और मैं इसके लिए आयोजकों का, अपने सभी साथियों का और गुजरात विद्यापीठ के उपकुलपति साहब, कुलपति जी, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं कई बार सोचता हूं ये राष्ट्र निर्माण कैसे होता है। हम सोचते हैं राष्ट्र निर्माण शायद दिल्ली में होता होगा। आजकल इस देश में सारी चीजें दिल्ली में होती हैं, सब अच्छी चीजें लोग सोचते हैं दिल्ली में होती हैं। पता नहीं होती हैं कि नहीं, पर सब खराब चीजें दिल्ली से जरूर शुरू होती हैं इस देश में। ये जो राष्ट्र निर्माण है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले लोग नहीं करते हैं। राष्ट्र निर्माण सरफिरे लोग करते हैं, जो थोड़े से पगलैट होते हैं ना, हल्का सा, जिनका बाहर वाले लोग कहते हैं पुर्जा ढीला है, वो जिनका पुर्जा ढीला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पुर्जा ढीला वाला व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जो व्यक्ति सपने देखता है वो उसे सच कर लेता है, लेकिन दुनिया वही बदलते हैं जो सपने देखते हैं। और दुनिया को बदलने वाले, दुनिया के इतिहास के चक्र को पलटने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें उस जमाने में उनके दोस्त थोड़ा सा ढीला बोलते हैं, थोड़ा सा हिला हुआ बोलते हैं, थोड़ा सा पटरी से उतरा हुआ बोलते हैं। पिछले दो दिन में मैंने कई ढीले लोग देखे यहां और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि इस देश का भविष्य कायम है। अगर पूरा देश सिर्फ ऐसे लोगों से भरा हो जिन्हें अपनी डिग्री, डिग्री के बाद नौकरी, नौकरी के बाद बच्चे, फिर उसके बाद बच्चों की नौकरी, फिर उनका कैरियर रेलगाड़ी की पटरी की तरह सीधी लाइन दिखाई दे, तो वो देश कभी बड़ा नहीं बन सकता। पिछले दो दिन में मैंने ऐसे कई साथी देखे, ऐसे कई बात देखी। आपने जिस खूबसूरती से अपना खाना यहां ऑर्गेनाइज किया, मैं समझता हूं कि यहां जो भारत की विविधता है खाने की, विविधता पे भाषण देने से कहीं अच्छा है कि लोगों को कर्नाटका का खाना, रागी की रोटी मैंने पहली बार खाई, रागी मुद्दे मैंने पहले खाए थे, रागी रोटी पहली बार खाई। तो आपने जो भारत की विविधता की तस्वीर सबके सामने रखी वो किसी भी भाषण से ज्यादा अच्छी थी। और देश में किसान स्वराज के विचार का बीजारोपण आपने जो पिछले दो दिन में नए तरीके से किया है, मैं समझता हूं कि बहुत लोग इस विचार को लेके जाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जो यहां आ गए हैं, इन्हें और कुछ शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन ये पिज्जा याद रहेगी, ये खाना याद रहेगा। और आज से 50 साल बाद हो सकता है ये बच्चे हमसे कहीं बेहतर काम करेंगे इसके बारे में। साथियों, दुनिया बदलने के बड़े काम वो करते हैं जो बड़े सवाल पूछते हैं, और उनमें से एक बड़ा सवाल हमने आज पूछा है। सवाल है कि किसान स्वराज के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्माण कैसे हो। जब बड़ा सवाल पूछा है
तो बड़े जवाब के लिए भी तैयार होना चाहिए। अक्सर हम बड़े सवाल पूछ के छोटे उत्तर में फंस जाते हैं, और मैं समझता हूं राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रश्न पे अक्सर यही होता है। मेरे साथी डॉक्टर रामजेलू ने बहुत व्यवस्थित रूप से हमें बताया कि कैसे बार बार किसानों को किसानों की स्थिति, उनका जीवन बदलने का संघर्ष एक बिंदु पे आके रुक जाता है और लगता है कि अब सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा, ये सिस्टम को कुछ बदलना होगा। केवल मैं अपने खेत में कुछ बदलाव कर लूं इससे फायदा नहीं होगा, व्यवस्था को कुछ बदलना होगा। मेरे एक मोर्चा, एक एप्लीकेशन, एक चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, वो जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें बदलना होगा। मेरा मन बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरे समाज का मन बदलना होगा। वो बिंदु है जहां हम राजनीति से एनकाउंटर करते हैं, राजनीति और हमारा मिलन होता है। टुडे वी आर आस्किंग ए बिग क्वेश्चन, हाउ डू वी क्रिएट पॉलिटिकल विल फॉर किसान स्वराज? And I suspect when we ask a big question like this, we should be prepared for a big answer. We should be prepared to understand multiple dimensions of this answer. We encounter the moment of politics when we realize that while we have worked very hard for the farmers, we have reached a dead end. Beyond this, I cannot go on my own. Something big needs to change. System needs to change. There is a wall that I encounter, and I wish to break that wall. That is the moment of politics. But having realized this, I think very often we take a very narrow view of what that politics is. And what I'm going to say today is to invite all of us to take a broader view of politics itself. Because the moment we think of politics, we think of government, we think of political parties, we think of elections, and we say, okay, that needs to be changed. That, of course, needs to be changed. But that is not all that needs to be changed. Politics is not only about political parties. Politics is not only about government. Politics is not only about elections. जैसे ही हम राजनीति की बात करते हैं, हमारा ध्यान चुनाव पे जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों पे जाता है, और हम कहते हैं देखिए सरकार बदलनी होगी, सरकार बदले बिना कुछ नहीं होगा। वो बात सही है, लेकिन राजनीति का मतलब केवल सरकार, कुर्सी और राजनीतिक दल नहीं है। जब हम स्वराज की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था, स्वराज का अर्थ केवल इतना नहीं है कि स्व का राज हो जाए, यानी कि मेरे ऊपर कोई और मेरे सर पे ना चढ़ के बैठे, कोई विदेशी ना हो, कोई मुझे दबाए ना, कोई जबरदस्ती मुझ पर राज ना करे, ये सब जरूरी है, लेकिन स्वराज के लिए स्व पर राज भी होना चाहिए। मैं खुद अपने ऊपर राज कर सकूं, हम में से कितने कम लोग करते हैं। गांधी जी ने स्वराज के विचार को अंतर्मुखी भी बनाया, बाह्यमुखी भी, अंतर्मुखी भी बनाया। तो मैं समझता हूं आज हमें राजनीति का व्यापक अर्थ और स्वराज का व्यापक अर्थ दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि व्यापक अर्थ में राजनीति को समझकर ही हम किसान स्वराज को अपने संपूर्ण अर्थ में समझ सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड किसान स्वराज इन इट्स टोटैलिटी, वी मस्ट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन इट्स मल्टीपल डायमेंशंस। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके राजनीति के पांच आयाम समझने के लिए हमें अपने हाथ की पांच उंगलियों को देखना चाहिए। पांच उंगलियां हैं, हम सब जानते हैं,
हम में से कई लोग नाम भी जानते हैं, हिंदी में इसको कनिष्ठ बोला जाता है, इसको पता नहीं क्यों बेचारी को अनामिका बोला जाता है, इसका कोई नाम नहीं है, अनामिका। ये मध्यमा है, ये जो कनिष्ठ है ये जल का प्रतीक है, ये पांच उंगलियां पांच तत्व का प्रतीक है, कनिष्ठ जल का प्रतीक है, अनामिका पृथ्वी भूमि का प्रतीक है, ये मध्यमा आकाश की तरफ इशारा करती है, और ये है तर्जनी, ये तर्जनी वायु का प्रतीक है, और फिर अंगुष्ठ जो कि अग्नि का प्रतीक है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से राजनीति के पांच आयाम हैं, और इन पांचों आयामों को समझकर ही हम राजनीतिक इच्छा शक्ति और किसान स्वराज की कल्पना कर सकते हैं। सबसे पहला विचार जो राजनीति का आता है वो स्वाभाविक है, राजनीति का मतलब सत्ता राजनीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लोग बैठे हैं उनका विचार बदलने की शक्ति, और वो कैसे होगी, वो चुनाव से होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। बार बार हम किसानों के साथ जब जाते हैं, देश भर में घूमते हैं, मैं हमेशा कहता हूं भैया जब तक इनकी कुर्सी नहीं हिलाओगे ना इनको कुछ समझ नहीं आएगा, ये एक ही भाषा समझते हैं, कुर्सी हिलाओ और जब इंद्र का सिंहासन डोलता है तब फटाफट चीजें होती हैं, नहीं हो तो इस देश में उद्योग के लिए नीति बदलती है, आधी रात को जीएसटी बदलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब किसान की बात आती है तो कहते हैं हाँ देखेंगे सोचेंगे कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही एक दो चुनाव हार जाएं और लगता है कि अरे किसान के चलते हम तो चुनाव हार सकते हैं, तो देखिए रातों रात बस फिर दिन रात किसान 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 की बात आती है। तो जरूर कुर्सी को हिलाना बहुत जरूरी है, और चुनाव उसका एक जरिया हो सकता है, होना चाहिए, देश में चुनाव आ रहा है, ये मंच नहीं है जिसपे मैं कहूं किसके लिए वोट डालना चाहिए किसके लिए वोट नहीं डालना चाहिए, यूं भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो है नहीं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम चुनाव का मुद्दा किसान को बना सकते हैं। टू माई माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज नॉट सो मच अबाउट हु गेट्स वोटेड इन इलेक्शंस, बट वॉट इज द इश्यू ऑन विच इलेक्शंस आर कॉन्टेस्टेड एंड फॉट वन एंड लॉस्ट। और आज इस देश में जो स्थिति है उसके बारे में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं तो कहता हूं, क्या कि अगले छह महीने इस देश में या तो जवान और किसान होगा, और अगर जवान और किसान का मुद्दा नहीं होगा तो हिंदू और मुसलमान होगा। जवान और किसान होता है तो जो मर्जी पार्टी चुनाव जीते भारत दो कदम आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी खेती कृषि के संकट पे अगर इस देश में चुनाव होगा सब पार्टियां कहेंगी नहीं मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इससे बेहतर करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, अंत में जो भी जीते देश दो कदम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हिंदू और मुसलमान के सवाल पर, जाति के सवाल पर, बिहारी गुजराती उत्तर पूर्व कन्नड़ के सवाल पर ये चुनाव होता है तो कोई भी जीते भारत हार जाएगा उस चुनाव में। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, धर्म है, हम सबका धर्म है कि चुनाव को एक ऐसा अवसर बनाएं जिसमें हर राजनेता को, हर पार्टी को जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं उन सब को किसान के सवाल पर सवाल पूछे जाएं, किसान इस देश का सबसे बड़ा एजेंडा बने, खेती को सुधारने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं आप हमें बताइए, आपने 5 साल से क्या किया है और आप अगले 5 साल क्या करेंगे इसका हिसाब किताब दीजिए, ये वक्त है हिसाब मांगने का, सवाल पूछने का, जवाब मांगने का, और ये निश्चित होना चाहिए। लेकिन ये पांच उंगलियों में सिर्फ ये कनिष्ठ उंगली है, ये जो चुनाव की राजनीति है ये पूरी राजनीति नहीं है, ये तो पांचों में से एक कनिष्ठ उंगली है। तो
तो बाकी चार उंगलियां कौन सी हैं? इसकी कल्पना करने के लिए हमें चुनाव की राजनीति से बाहर जाना होगा, राजनीति के एक दूसरे पक्ष को देखना होगा। राजनीति सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं, समाज परिवर्तन की राजनीति हो सकती है। और अगर राजनीति समाज परिवर्तन की राजनीति है तो फिर हमें चुनाव नहीं कुछ और औजारों की जरूरत होगी, कुछ और जमीन देखनी होगी संघर्ष के लिए, बदलाव के लिए कुछ और चीज देखनी होगी। सो द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंटल पावर विच नीड्स टू बी चेंज, where the real issue is how do we ensure that elections are fought on the issue of farmer. Agenda making is far more important than who wins and loses, and our task as farmer activists should be to ensure that the next parliamentary election, or for that matter any other election, are fought on the issues of farmers, the real issues that farmers face. But that's not enough. Changing political power, changing governments, is only one dimension of politics, which I have said is the little finger, the Kanishtha. We need to take a second step. Politics is about social transformation. As my friend had brought out, governments change, but so much does not change for Indian farmers. Governments come and go, policies do not change. Governments come and go, but the structure of power that keeps farmer in bondage does not change. That needs to be challenged. That is politics of social transformation. चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, किसान की दशा नहीं बदलती, किसान की गुलामी नहीं बदलती। और वो क्यों नहीं बदलती? क्योंकि एक गहरी सत्ता है, वो सत्ता जो सरकारों से बड़ी है। सरकारें भी खिलौना होती हैं, जो बहुत बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं वो लोग दरअसल बहुत ताकतवर नहीं होते हैं, क्योंकि वो कुर्सी जो चार पाए होते हैं वो पाए पहले से बने बनाए हैं, उसको हिला नहीं सकते, और उस पाए से छेड़खानी की तो कुर्सी उनकी धड़ाम और नीचे आके गिरेंगे। वो पाए किसके हैं? वो आर्थिक और सामाजिक सत्ता के पाए हैं। उसे बदलने के लिए क्या करना होगा? संघर्ष और निर्माण। तो मैंने बताया कनिष्ठ, कनिष्ठ है चुनाव, चुनाव की राजनीति कनिष्ठ। अनामिका और मध्यमा कौन है? संघर्ष और निर्माण। संघर्ष और निर्माण का अर्थ राजनीतिक शक्ति निर्माण, इच्छा शक्ति का मतलब केवल यह नहीं है कि चुनाव में नेताओं को डरा दिया जाए, उसका मतलब यह भी है कि सतत संघर्ष किया जाए। हर मुद्दे पर हम लड़ने को तैयार हों, संघर्ष करने को तैयार हों, किसान अपनी ताकत दिखाने को तैयार हों। दुर्भाग्यवश इस देश में किसान को अपनी शक्ति दिखाए बिना कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब समाज के वर्गों को अपनी चीजें मिल जाती हैं, कर्मचारियों को रिप्रेजेंटेशन देने से कुछ मिल जाता है, पूंजीपतियों को शायद सिर्फ फोन उठाने से कुछ मिल जाता है, लेकिन किसान, किसान के पास ले दे के एक ही ताकत है, उसके पास संख्या बल है। अपना संख्या बल दिखाना, मुट्ठी बंद करना, संघर्ष करना, ये बेहद जरूरी है। जो हमारे यहां बैठे हुए तमाम साथी जिसमें शरीक रहते हैं, और जब इसकी चर्चा कर ही रहा हूं तो मैं जरूर जिक्र कर दूं कि इस महीने की 30 तारीख को दिल्ली में देश भर के किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, किसानों की ताकत दिखाने के लिए, किसानों के संघर्ष की ज्योति को जलाए रखने के लिए। तो सतत संघर्ष
वो दूसरी तरह की राजनीति है जो किसान को करना होगा। छोटा धरना, प्रदर्शन, मांग, सत्याग्रह, बड़े मार्च, आपने देखा होगा बंबई में जब इतने सारे किसान पहुंचे तो कैसे अचानक सबका मूड बदल गया। तो संघर्ष की बेहद जरूरत है, लेकिन संघर्ष पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संघर्ष राजनीति के पुराने औजार रहे हैं, लेकिन यहां गांधी की भूमि पे हमें इस बात को याद करना चाहिए कि निर्माण, कंस्ट्रक्टिव वर्क, बहुत बड़ा औजार है राजनीति का। सो बिसाइड्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वी हैव स्ट्रगल एंड वी हैव कंस्ट्रक्टिव वर्क। और मुझे बेहद खुशी है कि यहां पे जो जमावड़ा है किसानों का, किसानों के प्रतिनिधियों का, उसमें तमाम ऐसे साथी हैं जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज किसान के लिए वैकल्पिक प्रयोग करना, चाहे वो प्राकृतिक खेती के प्रयोग हों, जीरो बजट फार्मिंग के प्रयोग हों, किसान किस तरह से बाजार में अपनी माल को बेच सकता है उसके प्रयोग हों, फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसके प्रयोग हों, सिंचाई को नए तरीके से करने के प्रयोग हों, ये सब प्रयोग कोई साधारण छोटा एनजीओ का काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, पूरी शिद्दत से कहना चाहता हूं, जिस तरह से चुनाव लड़ना राजनीति का काम है, जिस तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद करना राजनीति का काम है, उसी तरह से सिंचाई की पद्धति कैसे बदली जा सकती है। मेरे इलाके में आज से 25-30 साल पहले तक बाजरा खाया जाता था, आज वहां केवल गेहूं खाया जाता है। नतीजा क्या है कि बाजरा कम पानी लेता था, आजकल हम ज्यादा पानी लगाते हैं। बाजरा ज्यादा पौष्टिक था, आजकल हम कम पौष्टिक खाना खाते हैं। बाजरा सस्ता था और सस्ता है, आजकल हम महंगा खाना खाते हैं। तो मेरे इलाके के लोग 25-30 साल में ज्यादा महंगा, कम पौष्टिक, ज्यादा पानी खर्च करने वाला खाना खाते हैं और सोचते हैं कि वो आधुनिक हो गए हैं। उस इलाके में बाजरे को पुनर्स्थापित करना, बाजरे की पुनर्प्रतिष्ठा बनाना, ये सिर्फ समाज सेवा नहीं है, ये राजनीति है, एक गहरे अर्थ में राजनीति है। राजनीति क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे लिए राजनीति केवल राज में बैठे हुए लोगों की नीति नहीं है, राजनीति है शुभ को सच में बदलने का जो प्रयास है, शुभ को सच में बदलने का जो प्रयास है, जो शक्ति योग है, वो राजनीति है। जब आप कुछ शुभ है, जो बहुत सुंदर है, जो आप चाहते हैं, उसे सच बनाने के लिए शक्ति ग्रहण करते हैं और उसका अनुशासन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो राजनीति है। इसलिए ये जो सब निर्माण के प्रयोग हो रहे हैं और आज देश में अनूठे प्रयोग हो रहे हैं, दुर्भाग्यवश उत्तर भारत में कम हो रहे हैं, दक्षिण भारत में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आज इस देश में जितने सब प्रयोग हो रहे हैं, ये राजनीति की नई बुनियाद, नई जमीन डालने वाले प्रयोग हैं। और आप सबका, तमाम साथियों का जो इन सब प्रयोग में शामिल हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण ये है। राष्ट्र निर्माण ये नहीं है जब कोई बड़ा अफसर बैठ के किसी ऑफिशियल्स उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है, तो इससे राष्ट्र निर्माण नहीं होता। राष्ट्र निर्माण इन छोटे छोटे प्रयोग से होता है, जो बहुत कठिन परिस्थिति में तमाम जोखिम उठा के जो प्रयोग किए जाते हैं, ये राष्ट्र निर्माण है। और वो प्रयाग हो रहा है, ये मेरे लिए राजनीति का तीसरा डायमेंशन है। सो द थर्ड डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अबाउट कंस्ट्रक्टिव वर्क, एंड आई कॉल इट पॉलिटिकल बिकॉज फॉर मी पॉलिटिक्स इज अबाउट एक्वायरिंग पावर टू डू गुड, एंड दिस यू कैन डू नॉट ओनली बाय एक्वायरिंग स्टेट पावर बट ऑल्सो बाय चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड पॉसिबल।
मैं आपको इसके लिए मूल मंत्र बताना चाहता हूं। मेरे गुरु किशन पटनायक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का शीर्षक था विकल्पहीन नहीं है दुनिया। ये दुनिया विकल्पहीन नहीं है, बहुत विकल्प हैं। ये स्थापित कर सकना कि दुनिया जो आज दिख रही है ये सिर्फ ऐसी ही दुनिया होना जरूरी नहीं है, इससे अलग भी कुछ हो सकता है। मैं समझता हूं सबसे गहरी राजनीति ये है और आप इसको कर रहे हैं। एक गहरी राजनीति की बुनियाद आप डाल रहे हैं, ये भी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्माण है। तो तीन बात हमने गिन ली, चुनाव, संघर्ष, निर्माण। वैसे हमारे यहां बोला जाता है कनिष्ठ जल की प्रतीक है और चुनाव तो पानी की तरह आता जाता है, बहता रहता है, और ये भूमि धरती है, संघर्ष की जमीन है। कहीं पे डट के पांव गाड़ के आप संघर्ष करते हैं तो ये संघर्ष की जमीन है, और ये आकाश विकल्पहीन नहीं है दुनिया, ये आपको खुले आकाश की तरफ इशारा करता है, कहता है हम दुनिया बदल सकते हैं। दो और बच गए, तो राजनीति सत्ता परिवर्तन की राजनीति है, समाज परिवर्तन की राजनीति है, लेकिन ये सब तो दूसरों को बदलने की राजनीति हुई ना, क्या राजनीति में अपने आप को भी बदलना होगा? मेरे साथी ने कहा कि बदलना होगा, आपने कहा कि अपने प्रयोग से आपको सीखना होगा, सिर्फ दूसरों को सिखाइए मत, खुद भी कुछ सीख लीजिए। राजनीति स्व के परिवर्तन की भी राजनीति है, सत्ता का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, ये तो दूसरों का परिवर्तन है, अपना परिवर्तन भी राजनीति है। बार बार मुझे महसूस होता है कि राजनीति का एक आध्यात्मिक पक्ष है, राजनीति स्वयं को बदलने की है। जब महात्मा गांधी कहते हैं स्वराज का मतलब स्व का राज नहीं केवल, स्व पर राज भी है, जिसका मतलब है अपने दिल और अपने दिमाग को बदलना, अपनी बुद्धि और अपने मन को बदलना राजनीति का हिस्सा है। कैसे? मैंने बुद्धि की बात की और हमारे यहां तर्जनी जो है ना ये वायु का प्रतीक है और कई कारणों से हमारे यहां तर्जनी को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। यहां विद्यापीठ में बैठे हैं और इस विद्यापीठ में बैठ के अगर ये बात मैं ना कहूं तो बहुत अधूरी रह जाएगी कि इस दुनिया के तमाम बड़े राजनीतिक संघर्ष ज्ञान के संघर्ष होते हैं। ज्ञान की परिभाषा को बदलना बहुत गहरी राजनीति है और आज इस दुनिया में किसान की जो अवस्था है उस अवस्था के पीछे एक गहरा आधुनिक अंधविश्वास है और वो अंधविश्वास ये है कि किसान तो अतीत की चीज है, किसान 5% चाहिए आपको, 5-7% से ज्यादा किसान क्यों चाहिए? खेती किसानी गांव ये सब दकियानूसी पुरानी अतीत की बातें हैं। भविष्य की तरफ देखो, आईटी की तरफ देखो, उद्योग की तरफ देखो, ये सब भविष्य हैं। खेती किसान गांव अतीत हैं। ऐसा क्यों मानते हैं हम? ऐसा हम इसलिए मानते हैं, इसलिए नहीं कि खेती वास्तव में हमारा अतीत हो गई है। इस देश के 50% से अधिक लोग आज भी खेती में जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति हमारी आंख के सामने है वो हमें अतीत क्यों महसूस होता है? क्योंकि ज्ञान, जिसे ज्ञान बोला जाता है इस दुनिया में, उसने हमारी आंख पे चश्मा चढ़ा रखा है और वो चश्मा ये है कि हो ना हो पूरी दुनिया अंततः उसी रास्ते पर चलेगी जिसमें यूरोप पिछले 400 साल से चला है। इससे बड़ा अंधविश्वास दुनिया में कोई हो नहीं सकता। दिस इज मॉडर्न सुपरस्टिशन। समहाउ वी थिंक सुपरस्टिशंस आर डन ओनली बाय नॉन मॉडर्न पीपल। मॉडर्निटी इज फुल ऑफ सुपरस्टिशंस एंड वन ऑफ द डीपेस्ट सुपरस्टिशंस ऑफ ए मॉडर्न माइंड इज दिस, that the whole world is condemned to, is bound to replicate the journey undertaken by Europe in the last 400-500 years. Nothing can be more untrue than this. ये बात न सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि ये बात गलत है, ये बात झूठी है।
दरअसल दुनिया में किसी देश ने किसी दूसरे देश के रास्ते पर कभी चला ही नहीं है। हम अच्छे हों या बुरे हों, हमारी यात्रा पूरी है या अधूरी है, पर हम उस सड़क पे बिल्कुल नहीं चल रहे जिस पे यूरोप 400 साल पहले चला था। और ये हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों का, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स का, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ये जो मानसिक गुलामी है, माफ कीजिएगा बहुत स्ट्रांग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज नथिंग एक्सेप्ट मेंटल स्लेवरी, कल्चरल स्लेवरी ऑफ मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन रिजाइड्स इन दिस, देयर इनएबिलिटी टू इवन थिंक that we can have a life which is different from the one led by Europe. To be absolutely honest, we are not even living their biography. We are trying to replicate their autobiography, which is even worse than that. हम उनके जीवन की नकल नहीं कर रहे, हम उनकी आत्मकथा की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मकथा और जीवन में भी अंतर होता है। ये ना हुआ है, ना होना चाहिए, ना कभी होगा। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हम एक उस पगडंडी पर चल रहे हैं जिस पे दुनिया में आज तक कोई नहीं चला। वो पगडंडी हम बनाएंगे। इसलिए सिर्फ ये कह सकना कि गांव, किसान, खेती भारत का अतीत नहीं है, ये भारत का वर्तमान है और खुशहाल भारत का भविष्य है, ये बहुत बड़ी बात है। और राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई यूनिवर्सिटीज में लड़ी जाती है। और जब मैं यूनिवर्सिटीज की लड़ाई की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट यूनियन की बात नहीं कर रहा। ज्ञान निर्माण, कैटेगरीज बनाना, क्या नॉर्मल है। दुनिया में सत्ता का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये नहीं होता कि वो आपको नीतियां बना सकती है। सत्ता का सबसे बड़ा विशेषाधिकार ये नहीं है कि वो पैसे बांट सकती है, इतने हजार करोड़ रुपए इस काम में दिए, छोटी बातें। सत्ता का सबसे बड़ा विशेषाधिकार यह नहीं है कि वो आपको जेल में डाल सकती है, ये सब छोटी बातें हैं। सत्ता का सबसे बड़ा विशेषाधिकार होता है कि सत्ताधीश कहता है मेरी तरफ देखो, मैं नॉर्मल हूं, बाकी सब जिस हद तक मेरे जैसे हैं उस हद तक नॉर्मल है, अन्यथा तुम सब एबनॉर्मल हो। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता वो होती है जब एक सांवले रंग की लड़की को शीशे में देख के लगता है कि मेरी अपनी चमड़ी ठीक नहीं है। इससे बड़ी पावर दुनिया में नहीं हो सकती कि वो आपको अपनी ही सूरत बदसूरत दिखा दे। इतिहास में यही हुआ है, कृषि के साथ यही हुआ है, किसान के साथ यही हुआ है। आज किसान को दुनिया के इतिहास के शीशे में दिखा के बताया जाता है तुम दरअसल जीवित नहीं हो, तुम तो भूत हो, तुम तो इतिहास की परछाई हो, तुम तो हो ही नहीं, तुम तो होगे भी नहीं। ऐसे में इतिहास के सिद्धांत बना सकना, ऐसी कैटेगरीज बना सकना, नए शब्द बना सकना, नए शब्दकोश बना सकना जिसमें हिंदुस्तान के किसान कह सकें मैं हूं ना, मैं तो नॉर्मल हूं ना, और देखो मेरे मूंछ नहीं है, मेरे पगड़ी नहीं है, मैंने साड़ी पहनी हुई है। वो सबसे बड़ी विजय होगी भारत के किसान की जो ये कह सके। एक सामान्य किसान की छवि बदल सकना बहुत बड़ी लड़ाई है, ये ज्ञान की लड़ाई है। एपिस्टेमिक बैटल्स आर द डीपेस्ट बैटल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड टू माई माइंड आवर एबिलिटी टू कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ मॉडर्न सुपरस्टिशंस is where the real challenge lies. Our ability to say we are not condemned to replicate Europe or America or Australia. We are living our own life and thank you very much. We'll work out our own way. That is what needs to be done and that's a work to be done in universities. It is politics of knowledge. Tarjani, Gyan, iski ladai. Antim baat bach gayi. अंगुष्ठ, हमारे यहां कहते हैं अंगूठा जो है ये आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। पता नहीं क्यों कहा जाता है, आप सोच के बताइएगा, ढूंढ के बताइएगा, इतना मैं जानता नहीं, लेकिन अंगूठा कहते हैं हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। अंगूठा हमारे मनोबल का प्रतीक है।
अंगूठा आपकी राजनीति के सबसे गहरे जो स्तर है उसका प्रतीक भी है, क्योंकि अंततः राजनीति केवल इसके बारे में नहीं है कि आप दूसरों से रिश्ता कैसे रखें, राजनीति इसके बारे में भी है कि आप अपने भीतर अपने आप से रिश्ता कैसे रखें। राजनीति इसके बारे में है कि आपकी आत्म छवि क्या हो। राजनीति इसके बारे में है कि आप, जिसे हम कई बार आत्मा परमात्मा ये सब बेकार बातें ऐसे कह के हम इसको कर देते हैं, खासतौर पे जो क्रांतिकारी राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि राजनीति मेरे बाहर होगी, मेरे अंदर जो कूड़ा है उसकी सफाई करना मेरा काम नहीं है। लेकिन सच्ची राजनीति वो है जो बाहर का कूड़ा भी साफ करेगी और हमारे अंदर का कूड़ा भी साफ करेगी, दिमाग का भी और दिल का भी। ये आत्मानुशासन और आत्म छवि की राजनीति है, और आज भारत के किसान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज भारत के किसान का मन टूट चुका है। पिछले 3 साल में मैं देश के कोने कोने में घूमा हूं, इतनी अलग अलग हमारी कृषि है कि लगता है कि आप अलग दुनिया में हैं। केरला के कॉफी गार्डन की दुनिया और उत्तर प्रदेश के आलू के किसान की दुनिया और राजस्थान के बाजरे के किसान की दुनिया, ऐसा लगता है 3 अलग महाद्वीप में 3 अलग लोग रह रहे हैं। लेकिन एक बात हर जगह देखता हूं, हर जगह किसान का चेहरा मुरझाया हुआ है, सर झुका हुआ है, बच्चे को किसान नहीं बनाना, हर तरफ ये कहा जाता है न न न, ये लड़का तेज था उसको वो तो नौकरी में हो गया जी आपकी दया से, दूसरे को थोड़ा 4 पैसे बचे थे दुकान करवा दिए, तीसरा जी ऐसा थोड़ा ढीला सा था तो उसको मैंने कहा चल तू मेरे साथ किसानी कर ले। चारों तरफ किसान की आत्म छवि टूटी हुई है, किसान अपने आप में अपनी इज्जत नहीं कर सकता, किसान के घर वाले किसानी की इज्जत नहीं करते। मेरे मन में कई बार जो सपने होते हैं उनमें से एक छोटा सा सपना है शायद गुजरात विद्यापीठ में हो सके। मैं चाहता हूं इस देश का कोई यूनिवर्सिटी कैंपस जहां यंग काले बाल वाले लड़के और लड़कियां टी शर्ट पहन के घूमे जिसपे लिखा हो मैं किसान की संतान। आत्मसम्मान, आत्मगौरव, अपने प्रति अभिमान नहीं केवल सम्मान, मैं नॉर्मल हूं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। दुनिया का कोई धंधा नहीं है जिसमें आप 1 इकाई डालो और उसमें से 1000 इकाई पैदा करो, बाकी सब चीजों में जितना आप इनपुट डालते हैं उतना ही आप आउटपुट निकालते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं। खेती किसानी है जिसमें आप 1 मुट्ठी डालते हैं और 1 बोरा निकालते हैं उसमें से, और वो व्यक्ति आज महसूस करता है कि मैं सबसे फिजूल हूं, मैं सबसे नालायक हूं, मैं सबसे बेकार हूं, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारा किसान। इस आत्म छवि को बदलना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा संकल्प है, और मैं समझता हूं इस बड़े संकल्प को लेके हम सब यहां ये पंच तत्व की जो राजनीति है, तो कुल मिला के जो मैंने कहा है, I've just said the third tier would be about politics of the self, about transforming our mind and about our heart. Our mind is an epistemic battle, battle of knowledge, battle of categories, battle of what is normal. But there is finally an inner dimension of politics about connecting to your inner self. Inner engineering is a word used sometimes. I like that word because it draws our attention to the fact that what needs to be transformed is not just the world outside. There is a world within that needs to be transformed. And that is a political battle because the farmer's self-image is a fractured self-image. Farmer is defeated. Farmer is broken. And restoring that self-respect of the farmer is one of the deepest battles that we have to fight. There is a simple mantra in which I summarize much of this.
घाटा मुक्त खेती, कर्ज मुक्त किसान, जहर मुक्त भोजन, आत्महत्या मुक्त भारत. All these four need to be captured. This is the India that we want to achieve. And I'm sure that small gatherings like this will prove to be critical in that extraordinary journey of Indian farmer, of Indian agriculture. दुनिया का जब भी इतिहास लिखा जाता है, जब हम बड़ी बड़ी क्रांतियों की बात करते हैं, तो हर बड़ी क्रांति की कहानी किसी छोटे से समूह से पैदा होती है. वो 25 लोग जो एक कमरे में बैठे थे और सोचते थे कि चीन में क्रांति कर देंगे, वो 8 लोग जो रूस के अंदर किसी सर्दी के अंदर बैठे हुए थे. मुझे विश्वास है कि भारत के भविष्य की कहानी जब लिखी जाएगी, भारत के किसान की कहानी जब लिखी जाएगी, भारत के किसान के स्वराज की कहानी जब लिखी जाएगी, तो उसमें इस छोटी लेकिन बहुत बड़ी सम्मेलन का जिक्र होगा. धन्यवाद.